नमस्ते दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार सरकार और आप देख रहे हैं टेक्निकल आस्था। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्मॉल कंपनी का NPF बैटरी एडप्टर प्लेट। ये है NPF बैटरी एडप्टर प्लेट जो है स्मॉल कंपनी की तरफ से। ये मैंने मंगवाया है अमेजन डॉट इन से और इसका प्राइस है आपका 11,000 रुपीज़। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। ये जो NPF बैटरी प्लेट है ये काफ़ी काम का प्लेट है, क्योंकि जनरली जो भी चाइनीज़ वाला प्लेट मिलता है उसमें आपको प्लास्टिक का एडाप्टर प्लेट मिलता है, लेकिन ये जो प्लेट है ये कम्प्लीटली मेटल का है। और प्लस इसमें और एक बेनिफिट है, इसमें आपका बैटरी का कितना चार्ज है वो भी शो करेगा। और इस बैटरी प्लेट से आपको दो आउटपुट मिलता है, एक है आपका 7.4 वोल्ट और दूसरे तरफ मिलता है आपको 12.0 वोल्ट। तो बॉक्स देखने में ऐसा है, इसके साथ केबल भी मिलता है लेकिन मैंने विदाउट केबल के साथ मंगवाया है। तो इसका जो मॉडल है आपका वो है आपका EB2504। तो दोस्तों इसको ओपन करके देखते हैं। बॉक्स में और कुछ नहीं है। खोलने पे आपको से एक वेलकम लीफलेट मिलेंगे और ये है आपका स्मॉलिंग NPF बैटरी एडाप्टर, काफ़ी खूबसूरत है। पूरा मेटल का है और यहाँ पे स्मॉलिंग लिखा हुआ है। इस तरफ देखिए आपका DC आउट लिखा हुआ है 7.4 वोल्ट और इस तरफ लिखा हुआ है आपका DC आउट 12 वोल्ट और यहाँ पे इंडिकेशन दिया गया है। और ये आपका पावर LED है और ये आपका चेक करने के लिए ये 3 LED है, ये ऑफ हो जाता है कुछ देर के बाद, उसके बाद आप इसको दबाएंगे तो फिर से ये ऑन हो जाएगा आपका बैटरी चेक करने के लिए कितना चार्ज बैटरी में बचा हुआ है। और साथ में 3 होल दिया गया है, ये तीनों होल में आप स्क्रू लगा सकते हैं। एक आपको LN की भी दिया गया है इसके साथ, जिससे आप स्क्रू को टाइट करने के लिए। और ये आपका माउंट करने के लिए जो स्क्रू है स्क्रू को दिया गया है, इससे आप यहाँ पे माउंट भी कर सकते हैं। उसके बाद सपोर्टिंग 2 स्क्रू दिया गया है ताकि आप कैमरा के नीचे और साइड में लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको कैमरा केस चाहिए, नहीं तो आपको जो हॉट शू है उसमें आपको लगाना पड़ेगा। और कुछ नहीं है बॉक्स में। तो NPF बैटरी जो है वो आपका 3 तरह का आता है। ये आपका NPF 970 जो काफ़ी बड़ा है, इसमें दिया गया है कि इसमें जो है बैटरी पावर है वो आपका 7200 mAh है। तो इस बैटरी से अगर मैं इस कैमरे को चलाऊंगा जो है आपका सोनी अल्फा 6400, तो इस बैटरी से ये 7 घंटे चलेगा। उसके बाद आता है आपका NPF 770, इसमें जो बैटरी पावर दिया गया है वो है आपका 5200 mAh। तो अगर इस बैटरी से मैं इस कैमरे को चलाऊंगा तो इससे चलेगा ये 5 घंटा। सबसे छोटा जो बैटरी है ये आपका 2200 mAh का दिया गया है, इस बैटरी से इसको चलाऊंगा तो ये जो कैमरा है ये चलेगा आपका 2 घंटा। तो मैंने जो ये 2 आवर 5 आवर और 7 आवर बोला है उससे ज़्यादा भी चलेगा, क्योंकि इसमें जो कैपेसिटी दिया गया है 2200, 5200, 7200 ऐसा करके दिया गया है, तो उससे थोड़ा ज़्यादा भी चलेगा। तो सबसे पहले मैं एक बैटरी लगा के दिखाता हूँ। सपोज ये 770 वाला जो बैटरी है इसको लगाता हूँ जो आपका 5200 mAh का आवर का है। तो इसको मैं यहाँ पे जो होल दिया गया है दोनों तरफ इसी तरफ इसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये जो दो पिन दिया गया है, ये जो पिन है ये भी आपका कॉपर मेटल से बनाया गया है ताकि कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये दिया गया है आपका लॉक जो स्प्रिंग लगा हुआ है, और इस तरफ आपका इंडिकेशन दिया गया है। तो इसको लगाता हूँ ऐसे करके, उसके बाद आप इसको प्रेस कर दीजिए, ये लॉक हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इंडिकेशन भी शो कर रहा है, ये आपका पावर LED है और यहाँ पे फुल दिखा रहा है। इसको क्लिक करूँगा तो ये फुल दिखा रहा है। तो इस बैटरी को चेक करता हूँ, तो ये दोनों बैटरी को मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कितना चार्ज इसमें बचा हुआ है।
इसमें भी फूल दिखा रहा है, और ये बैटरी थोड़ा बड़ा हो जाता है लेकिन गिरेगा नहीं, कुछ भी बैटरी ऐसे गिरेगा नहीं। तो चलिए इसको भी लगा के दिखाता हूँ। इसको यूज़ नहीं किया, तीनों बैटरी को मैंने चार्ज करके रख दिया था, क्योंकि तो ये प्लेट मैंने ऑर्डर किया था तो इस प्लेट को आने के लिए मैं इंतज़ार कर रहा था। ये देखिए इसमें भी आपका फूल दिखा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, ये लॉक गिरेगा नहीं, लॉक को दबा के आपको पीछे की तरफ करना है तभी ये खुलेगा। तो इस कैमरे में लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। तो कैमरे में लगाने के लिए आप कहाँ पे लगाएंगे, अगर मैं ऊपर में लगाता हूँ तो स्क्रीन को अगर फ्लिप करता हूँ तो ये पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि इस बैटरी के वजह से ये स्क्रीन कवर हो जाएगा और आगे की तरफ कुछ दिखेगा नहीं, तो ऊपर नहीं लगा सकता हूँ। आप अगर कैनन कैमरा यूज़ करते हैं तो उसमें आपको सुविधा होगा, या तो निकॉन का जो साइड में फ्लिप होता है उस तरह का कैमरा में काफ़ी सुविधा होगा। तो इसको मैं साइड में एक उलांजी कंपनी का एक हॉट शू माउंट लाया हूँ, जो यहाँ पे एक दो तीन तीन माउंट लगा हुआ है, और साथ में मैंने एक दोनों तरफ लगाने वाला एक स्क्रू है, इससे मैंने इसको कनेक्ट किया है ऐसे करके। तो ये लगा हुआ है, तो इसके बाद मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगा सीधी करके। लगाने के लिए और एक आपको माउंट चाहिए, ये जो वन बाई फोर स्क्रू है इसको लगाना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ऐसा करके, मैंने बीच में नहीं लगाया ऊपर में लगाया हूँ ऐसा करके। ये देखिए मैं काफ़ी टाइट से इसको फिक्स किया है। उसके बाद आप इस बैटरी को इसमें लगा दीजिए। अगर छोटा वाला बैटरी लगाता है जो 2200 मिली एम्पियर का वाला है तो इसका तो कोई इशू नहीं है, ऐसे करके आप पकड़ के आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है। तो ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हैं, देखिए छोटा बैटरी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है, एज ए हैंडल इसको पकड़ सकते हैं। और इस बैटरी का साथ आपको डमी बैटरी का ज़रूरत पड़ेगा, तो डमी बैटरी लगा के आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं, नीचे में भी लगा सकते हैं। तो आप अगर 5200 मिली एम्पियर वाला बैटरी लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, तो ये भी काफ़ी बड़ा नहीं है, 5 आवर तक आप इस कैमरे से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक डमी बैटरी लगाना पड़ेगा, तो नेक्स्ट मैं इसका वीडियो दिखा दूंगा डमी बैटरी के साथ इसको कैसे चलाते हैं। तो इस तरफ जो आपका डीसी आउटपुट है 7.4 वोल्ट, यहाँ पे आप लगा लीजिए, उसके बाद आप डमी बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करके कैमरे को आप आराम से चला सकते हैं, क्योंकि इससे आपको वोल्टेज ज़्यादा आने का कोई भी गुंजाइश नहीं है। इससे आपको एक्यूरेट 7.4 वोल्ट निकलता है, जो कैमरे के लिए बिल्कुल सेफ है। और सबसे बड़ा बैटरी अगर लगाते हैं तो आपको थोड़ा सा पकड़ने में दिक्कत हो सकता है। ये देखिए फिर भी जो चला सकता है वो आराम से चला सकता है, इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, इससे भी आप आराम से चला सकते हैं। ऐसे करके बैटरी को पकड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बैटरी खुल जाएगा, तो कैमरे के लिए एक सपोर्ट भी मिलता है आपको। तो बैटरी मैंने खोल दिया है, मैंने उलांजी कंपनी का ये जो हॉट शू मैंने मंगवाया है इसलिए मंगवाया है क्योंकि इसमें मैंने रोड वायरलेस गो का जो रिसीवर है इसमें लगाऊंगा, इसीलिए मैंने इसको भी कनेक्ट किया हूँ। आप चाहे तो इसी स्क्रू से आप यह का जो हाउसिंग है, इस कैमरा का जो केसिंग है, उसी केसिंग में डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं। और गैप इसीलिए रखा हूँ तो गैप की वजह से इसमें जो केबल वगैरह है वो भी आप आराम से इसमें लगा सकते हैं, इसमें तो कोई इशू नहीं आता है। तो ये एक अच्छा तरीका है कि इस कैमरे को मैं और लंबे वक्त तक आउटडोर में फोटोग्राफी कर सकता हूँ या तो वीडियोग्राफी कर सकता हूँ। चलिए इसको खोल देता हूँ, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर लगाएंगे तो आपका जो डिस्प्ले है वो आपका ब्लॉक हो जाएगा। ऐसे करके आप लगा सकते हैं आराम, तो ऐसे करके आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं या तो फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो आप अगर इस स्क्रीन को फ्लिप करना चाहते हैं तो आपको कोई काम में नहीं आएगा, क्योंकि फ्रंट साइड से स्क्रीन में कुछ भी नहीं दिखाई देगा।
अभी चलिए मैं इसको नीचे में लगा के दिखाता हूँ, आप चाहे तो नीचे में भी लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसने जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।